हेलो दोस्तों, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये भी हमने आज 2-2.5 किलो की मच्छी शिकार किए हैं, साथ में एक छोटी भी मच्छी है। दोस्तों ये आप जो फ़ोटो देख रहे हैं ये मेरी खुद की फ़ोटो है, कहने का मतलब है दोस्तों कि ये कोई फेक वीडियो नहीं है, मेरी ही है। तो आज की ये फ़ोटो दिखाने का मतलब है जो चारा मैं यूज़ किया हूँ वो मैं आपको दिखाऊँगा आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं, चारे को दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है आज की स्पेशल चारा, ये जैसे आप ब्लैक वाली देख रहे हैं दोस्तों, आपके यहाँ पे आसानी से ये चीज़ मिल जाएगा नदियों में, जैसे रेतीला नदी होती है वहाँ पे, या तालाब में कहीं पर भी ये चीज़ पानी में बड़ी आसानी से मिल जाती है। देखिए ये इस तरह से आपको झोले में भर के लेके आना है, 2 किलो 3 किलो 4 किलो जैसे ये देख रहे हैं हाथ में, इस तरह से ले लेना है। और एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, इसमें छोटी छोटी जो होती है वो नहीं लेना है, जिसमें जितना बड़ा आपको मिले उतना बढ़िया है, बड़ा से बड़ा आपको लेना है, ठीक है। अब इसको करना क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा आज की वीडियो में। और इसमें जो है मच्छी शिकार होता है वो तो मैं आपको फ़ोटो में दिखा दिया हूँ, लेकिन आपको मन में अगर सवाल उठता होगा कि मच्छी शिकार रियल में होता है या नहीं, तो आप वीडियो को देखिए अंत में। और मेरी ऐसी कई वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें मैं बताया था कि दोस्तों अगर आपको चारा के बारे में समझ में नहीं आता है तो मैं अलग वीडियो में आपको बताऊँगा कि कौन सी चारा है जिसकी मदद से बुआर मच्छी शिकार किया जाता है। तो आप उस वाली वीडियो को भी देखे होंगे, तो आपको मैं बता दूं कि आज चारे के लिए जो मैं बता रहा हूं वही चारा है उस वीडियो में जो चारा यूज कर रहे थे वो भाई, वही चारा है जो मैं आज आपको स्पेशल चारे के लिए बता रहा हूं इस वीडियो में। तो मैं खुद जो है दोस्तों उस दिन भाई का वीडियो बनाया था जिसमें वो भाई शिकार कर रहे थे इसी चारे से, तो उसने करीब 5 बुआर शिकार किया था जजिसमें मैं आपको वीडियो में 3 बुआर खुद दिखाया हूँ। आज की वीडियो में भी दोस्तों आप फ़ोटो में जैसे कि देखे हैं मैं खुद शिकार किया हूँ लगभग 2 से 2.25 किलो के बीच में, और एक छोटी आधी किलो की मच्छी जो है मैं शिकार किया हूँ। तो दोस्तों आज जो है मैं इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये चारा जो है इस तरह से आपको जैसे कि आप देख रहे हैं तोड़ लेना है, और उसकी जो गुदा होती है उसको निकाल करके हमें अलग करना है। एक हुक में लगाने के लिए हुक के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपका हुक कितना बड़ा है, अगर हुक मीडियम है तो आप उसमें जो है 8 से 10 ये चीज़ जो है, जैसे इसको आपके यहाँ पे क्या बोलते होंगे ये मुझे कन्फर्म पता नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा जगह में इसको सेतू के नाम से जाना जाता है, या फिर जीना बोला जाता है, यानी झीना या सीतू या कुछ और नाम से अगर बोलते हैं तो प्लीज़ आप कन्फर्म कर लें, और या कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपके यहाँ पे इसे क्या नाम से बोला जाता है। तो इस तरह से अगर आप ये चारा को कभी यूज़ नहीं किए हैं, आपके यहाँ पे पानी में पड़े हैं और आप सोचते होंगे कि इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, तो वही इसलिए मैं आज इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो आपको इस तरह से गुदा निकाल के अलग कर लेना है, ठीक है। जैसे कि ये देख रहे हैं मैं ये खुद कर रहा हूँ दोस्तों, ये कोई गंदी चीज़ नहीं होती है, ठीक है, ये पानी की चीज़ होती है, सेम पानी में हर चीज़ जैसे पाया जाता है, तो ऐसे ये भी पानी की चीज़ है, कोई गंदी चीज़ नहीं है, बस ये थोड़ा सा अलग सा इसका स्मेल होता है, कच्चापन मछलीदार सा जो है थोड़ा इसका स्मेल होता है, जो थोड़ा नॉर्मल साबुन से धोने से साफ़ हो जाता है। जब फिशिंग करने आए तो कोई बात नहीं, नॉर्मल आप फिशिंग कर सकते हो। तो इस तरह से गुदा निकाल लेना है, और उसके बाद में देखिए आज मैं हुक में आपको लगा के दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये हुक में लेंगे ऐसे, जो टाइट हिस्सा होती है गुदा का उसको हम जो है हुक में घुसाएंगे, यानी उस साइड से हम हुक में इसको घुसाएंगे। देखिए 2 हमने लगाया, और हम देखिए ये 3रा लगा रहे हैं, इस तरह से आपको भी जो है लगाना है। लगभग 3 में जो है हमारा आधा हुक फुल हो गया, क्योंकि ये हमने मीडियम वाली सीतू को तोड़ा है तो गुदा थोड़ा सा बड़ा ही निकला है, अगर इससे बड़ा लेते हो तो 3-4 में आपका फुल हो जाएगा, ये छोटा का है कोई बात नहीं। ये देखिए लगभग 6 हो गया, ये 5-6 में देखिए हमारा लगभग फुल हो गया, और 1-2 हम इसमें डालेंगे, इस प्रकार जो है इसको भरेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। यार आप लोग के लिए मैं बहुत मेहनत करता रहता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, ताकि आप लोग को नए नए जानकारी मिलते रहें हर तरह की चारे की, जो फ्री हो और सस्ता हो और वर्क करे 100%, इस तरह की चारा जो है मैं ढूंढ ढूंढ के आप लोग के लिए लेके आता रहता हूँ।
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें और जुड़े हमारे साथ। तो दोस्तों देखिए ये चारा कंप्लीट हो गया इस तरह से, और पानी में आपको फेंक देना है जहाँ पे मच्छियाँ 100% आपको शिकार मिलेगा।